सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सूरज स्वागत करता हूँ मिस्टर ब्राइट चैनल में। एंड गाइस, बात करने वाले जेएसडब्ल्यू स्टील की। एंड करंट मार्केट प्राइस देखें तो यहाँ पे 707 के करीबन चल रहा है। आज जो है आपको न्यूट्रल रहा, बिल्कुल ना ही अप गया ज़्यादा ना ही डाउन। ठीक है, लो की बात करें तो लो जो है आज 679 का मारा। ठीक है, लो काफ़ी नीचे तक मार दिया इसने। हाई की बात करें तो हाई जो है 721 का मारा। ठीक है, तो रिकवरी जो है काफ़ी शानदार की इसने। और ये शेयर ऐसा है कि आपको जो है मतलब विश्वास होना चाहिए इस शेयर में, क्योंकि ये बहुत तगड़ा शेयर है गाइज। ठीक है, आने वाले टाइम में 1000 तक की रेंज में जाएगा। तो अगर आपका पोर्टफोलियो में है तो होल्ड करके रखिए, आपको कुछ नहीं करना है इसके साथ, आपको ये अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर न्यू बाइंग ढूंढ रहे हैं, न्यू बाइंग या एवरेज करने की सोच रहे हैं, तो एवरेज लेवल मैं आपको बता देता हूँ, न्यू बाइंग लेवल आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैंने आपकी पुरानी वीडियो में, जेएसडब्ल्यू की मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि आपको यहाँ से एक डिप आने को मिलेगा, और वही जो है आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डिप आ रहा है और बाइंग जो है यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ठीक है, 670 से एक बाइंग लेवल क्रिएट होता है, और 670 से 680 के बीच में आप लोग बाइंग कर सकते हैं। एंड टारगेट आप लोग 700 और 740 तक के लेके चल सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस जो है स्ट्रिक्टली 640 का रखना होगा। ठीक है, तो गाइज ये जो है जेएसडब्ल्यू में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर जो है यहाँ पे 670 या 80 के बीच में आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, जो कि आज आपको देखने को मिला। 680 के लेवल तक आया था और उसके बाद जो है सीधा 700 गया। ठीक है, तो 30 पॉइंट्स जो है आज ही रिकवरी किए इसने, और जबकि मार्केट थोड़ा सा लूज लग रहा था, और उसके बाद जो है आपको सडन अपसाइड देखने को मिला जेएसडब्ल्यू में। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे पूरा विश्वास है गाइज, अगर आप लोग बाइंग करते हैं तो ये आपको प्रॉफिट देके जाएगा 670 या 680 से। ठीक है, 640 का स्टॉप लॉस लेके चलना है। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, सारी प्रिडिक्शन फेल हो जाती है। अगर ट्रेडिंग का मूड हुआ अपसाइड जाने का तो वो अप ही जाएगा, डाउन जाएगा तो डाउन ही जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी कुछ प्रिडिक्शन होती है गाइज, मैं आपको साफ सीधी बता दूं। सारा कुछ, अगर कोई भी मतलब इतना एक्यूरेट होता ना तो वो जो है टॉप बिलियनर होता, टॉप रिचेस्ट मैन होता। ठीक है, बाकी आप लोग की मर्जी है, आपको पैसा है जिस तरह से इन्वेस्ट कीजिए, और इन्वेस्ट अगर कीजिए तो आपको अपना मतलब होना चाहिए कि हाँ मैंने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी और को ब्लेम करना है, जब इन्वेस्ट करना है तो खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है गाइज। मैंने एक व्यक्ति ऐसा देखा कि उसने जो है एक ही दिन में 50,000 रुपये गवा दिए, और गाइज ये होता है कि, और जबकि उसके अकाउंट में इतने पैसे थे भी नहीं। तो प्लीज मार्जिन जब यूज करें आप लोग, तो प्लीज 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 उतना ही मार्जिन यूज करें जितना आपके बैलेंस फिगर हो, मतलब बैलेंस फिगर में भी उतना बैलेंस होना चाहिए, तभी जो है जो मार्जिन है वो यूज करें। ठीक है, अगर आप लोग 1000 का मार्जिन यूज करते हैं तो 1000 आप लोगों के पास बैलेंस में पड़ा होना चाहिए। ठीक है, बहुत रिस्की होता है गाइज स्टॉक मार्केट, ऐसी नहीं होता है। अगर आप लोगों ने एसएल फॉलो नहीं किया और जितना पैसा आपके पास नहीं है उतना मार्जिन ले लिया, तो आपको जो है लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर जो है मार्केट डाउनफॉल में रहा तो आपका पैसा डूबने के बहुत चांसेस है गाइज। उसी टाइम आपको ऐड करने पड़ते हैं पैसे, वरना आपको और गिरता रहता है मार्केट। ठीक है, तो यही होता है। अगर आपको मतलब नहीं पता है तो मैंने बता दिया है, काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, जो मेरे को लगा शेयर करनी चाहिए। तो जेएसडब्ल्यू फुल पॉजिटिव मेरे को लगता है, और 670 से 680 बाइंग लेवल होंगे, और 700 इसका टारगेट होगा, 740 नेक्स्ट टारगेट, और 640 का स्टॉप लॉस। ठीक है, मार्केट डेप देखें तो 661 की यहाँ पे बाइंग हुई है। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। तो गाइज आई होप आप लोग समझ गए, जेएसडब्ल्यू बहुत अच्छा शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है, और इसमें ऐसी पावर है कि 1000 तक लेवल अचीव कर सकता है। ठीक है, सो आई होप आप लोग समझ गए, सो थैंक यू सो मच गाइज। तो गाइज यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है, जो कि सिर्फ 500 मंथली में आपको फुल एनालिसिस करके देगा। कोई भी स्टॉक हो, कोई भी स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो मैं जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। इंट्राडे की टिप्स दूंगा डेली, वो भी एक दिन पहले, मतलब आज जैसे ट्रेडिंग डे है तो उससे एक दिन पहले आपको आपके स्टॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, और 1 वीक के लिए भी, मतलब थर्सडे को शाम को मैं आपको 5 स्टॉक्स दूंगा 1 वीक के लिए, जो कि आपको टारगेट के साथ एसएल के साथ मिलेंगे। एंड अगर जो है यहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं जो इंट्राडे प्रिफर नहीं करते हैं, जो मतलब इतना ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि काम रहता है उनका, या फिर कुछ भी कारण हो जिस वजह से इंट्राडे में इतना मतलब टाइम नहीं दे पाते हैं, तो मैं आपको वीकली जो शेयर्स हैं वो दे दूंगा। तो कई न्यू लोग भी जुड़े हैं कोरोना काल में जिनको ट्रेडिंग के बारे में अभी नॉलेज नहीं है,
तो वो हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं एंड हम जो है उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग व्हाट्सएप में जुड़ेंगे, ये आपकी स्क्रीन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा।